हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा, खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके साथ वेजिटेबल स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप सहरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आप किसी भी ओकेजन पर बना करके खा सकते हैं। इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। तो स्प्रिंग रोल शीट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप यहाँ पर ऊपर आई बटन में क्लिक करके उसकी रेसिपी देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे। तो आपको इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं। जो भी यहाँ इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्क्रीन पर यहाँ मेंशन किए गए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी स्टफिंग रेडी कर लूंगी। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें लहसुन डाल देंगे 1 टेबल स्पून बारीक क्रश किया हुआ। लहसुन के भुनते ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। इसको भी हल्का सा भून लेंगे। वेजिटेबल्स थोड़ी सी क्रंची चाहिए इसलिए हम इन्हें ज्यादा नहीं पकाएंगे। साथ ही इसमें बारीक कटी हुई गाजर डाल देंगे, कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे ये शिमला मिर्च, बंद गोभी। आप इन्हें चॉपर से बारीक काट कर भी यूज कर सकते हैं। ये सारी कुकिंग हमें हाई फ्लेम पर ही करनी है। मैंने 2 हरे मिर्च को चीरा लगा लिया था, उनको भी डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून सोय सॉस, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून चिली पेस्ट और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपनी मर्जी की सब्जियां यूज कर सकते हैं, कोई कीमा भर सकते हैं जैसे कि सोया कीमा या जो भी आप खाते हो उस तरह की फिलिंग इनमें भर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये बॉइल्ड नूडल्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर आप चाहें तो इन्हें अवॉइड कर सकते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून विनेगर। आप चाहें तो इसमें शेजवान सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो स्टफिंग लगभग रेडी है, अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने हरा वाला प्याज लिया था, ये इसको लास्ट में डालेंगे क्योंकि इसे हमें बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। ये बहुत ही ईजिली और जल्दी से पक जाता है, तो गैस बंद कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। तो स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे और तब तक हम मैदे का घोल तैयार कर लेंगे स्प्रिंग रोल को चिपकाने के लिए। तो इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे, थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, इससे हम स्प्रिंग रोल को चिपकाएंगे। तो 1 टेबल स्पून और डाल देंगे, लगभग 3 बड़े चम्मच पानी लिया है इसमें हमने। तो इसे इस तरह का गाढ़ा पेस्ट बना करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का पेस्ट होना चाहिए, तो इसको हम साइड पर रख लेंगे। तो स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है, मैदे का घोल भी रेडी है, तो हम स्प्रिंग रोल शीट लेंगे। स्प्रिंग रोल शीट लेंगे, इसमें स्टफिंग रखेंगे। इसको हम इस तरह से उठा करके थोड़ा सा टाइटली एक रोल देंगे और उसके बाद हम इसके एज पर यहाँ मैदे का पेस्ट लगा देंगे और इसको हल्का फोल्ड कर देंगे और इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा देंगे और इधर से भी फोल्ड कर देंगे, इधर भी मैदे का पेस्ट लगा देंगे ताकि जब हम इसे रोल करें तो ये कहीं से खुले नहीं, क्योंकि अगर ये खुल जाए तो इसमें ऑयल भर जाता है,
तो इसको हम इस तरह से टाइटली रोल करेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो मैं इस तरीके से सभी स्प्रिंग रोल फिल कर लूंगी। स्टफिंग रखेंगे इस पे हम। उसके बाद हम इसको उठा करके इस तरह से टाइटली रोल कर लेंगे पहले एक बार। इससे स्प्रिंग रोल जो है वो पतले और लंबे बनते हैं। इस पर मैदा लगाएंगे यहाँ पर साइड्स में। इसकी साइड्स फोल्ड कर लेंगे। और इसको फिर से इस तरह से रोल कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं सभी स्प्रिंग रोल्स रेडी कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर स्प्रिंग रोल्स रेडी कर ली हैं, अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, ये काफी तेज गर्म है। इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल थोड़ा ज्यादा तेज गर्म होना चाहिए, तभी अच्छे से फ्राई होते हैं। हम इन्हें तेज आंच पर फ्राई करेंगे, इससे ये ज्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो केयरफुली हम एक एक स्प्रिंग रोल डाल देंगे। तो यहाँ पर एक बार में तीन ही स्प्रिंग रोल आए हैं कढ़ाई में, तो मैं उतने ही डाल करके फ्राई करूंगी। काफी जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इन्हें जल्दी से पलट देंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं, तो मैंने निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन कलर आया है इन पर। इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूंगी। तो ये वाला बैच भी फ्राई हो चुका है, हम इसे भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन स्प्रिंग रोल बन करके रेडी हैं, तो मैंने सर्व कर लूंगी। ये देखिए स्प्रिंग रोल रेडी हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको एक स्प्रिंग रोल कट करके दिखाती हूँ। तो हम एक स्प्रिंग रोल लेंगे, इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इनकी शीट कितनी क्रिस्पी बने हैं ये। अब ये देखिए किस तरह की शीट है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इन्हें कट कर लेंगे। वाओ, ये देखिए कितने बढ़िया स्प्रिंग रोल बन करके रेडी हुए हैं। कितनी थिन शीट है और कितने परफेक्ट स्प्रिंग रोल बने हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज विद खाना मनपसंद। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। मैं इन्हें टोमेटो केचप के साथ सर्व करूंगी, आप चाहें तो किसी और डिप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हैप्पी रमादान, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय।